हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे डिटेल्स देखेंगे योर नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होगी, हु, हाउ, व्हेन, नेम्स एंड उनका इनिशियल क्या होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, वो पर्सन आ क्यों रहा है, कैसे पर्सन के साथ होगी, उसकी सारी डिटेल आज हम देखेंगे। इफ़ यू गाइस आर सिंगल और ऑलरेडी ब्रोक अप विद समबडी एल्स, और आप इस टाइम सिंगल हो या फिर किसी भी तरह से आप लोग डिवोर्सी हो, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है एंड नाउ राइट नाउ यू गाइस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड द रिलेशनशिप, सो आप उसके लिए इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है, कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप जो है वो कैसे इंसान के साथ होगा, वो कौन होगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सब कुछ ईज एंड एवरीथिंग देखेंगे। सो दिस इज़ अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग फॉर ऑल साइंस फॉर ऑल जेंडर्स। लास्ट मैं नंबर्स एंड लेटर्स भी देखूंगी। एंड गाइज, आप चैनल पर न्यू हैं, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ही किसी ने रिक्वेस्ट की थी इस टॉपिक की, सो बिकॉज बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इस टाइम सिंगल है तो उनकी नेक्स्ट रिलेशनशिप होगी नहीं होगी, किसके साथ होगी, कैसा पर्सन होगा, बिकॉज सबको ये इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। सो आज हम देखेंगे। सो आप लोग जो हो अगर पर्सनल रीडिंग्स देना चाहते हो तो उसके लिए मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मेरे इंस्टा पे, इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, मस्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सो पॉजिटिव रहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। अगर आप लोग कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे होंगे जो मैं इस रीडिंग में बताऊंगी तो उसको क्लेम करिएगा 1111 के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप जो है वो कैसे पर्सन के साथ होगी, जो लोग यहाँ पर नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनकी नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसी होगी, किसके साथ होगी, कैसी रहेगी, कौन है वो पर्सन। First we have Queen of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Then we have Wheel of Fortune, Sagittarius. इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकता है। Then we have Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. आ रहा है भैया आप लोगों के पास ये पर्सन जो भी है, नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसी होगी, किसके साथ होगी, कौन है ये पर्सन। Then we have Hermit and Two of Cups. Virgo, again Cancer, Pisces, Scorpio. Then we have the Sun, Leo. इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। 199 या फिर 919 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरह से। Then we have Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Yes. One more last card. Then we have Hangman, Pisces. Bottom of the deck है Five of Pentacles. Yes, Two of Swords. You guys are very confused. Yes, आप लोग अपने future को काफ़ी ज़्यादा future को लेके आप लोग मुझे यहाँ पे concerned लग रहे हो, like आप लोग चाहते हो कि आपका future आप better बनाना चाहते हो definitely. And आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं guys जो यहाँ तो खुद abroad settle होना चाहते हैं, या फिर आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हो कि आपका next relationship जो है वो किसी ऐसे person के साथ बने जो कि आई फील लाइक आप लोगों को या तो अब्रॉड लेकर जाए या आपको अब्रॉड सेटल करें, या मुझे यहाँ पे एनर्जी चैनलाइज हो रही है। बट यू गाइज आर वेरी कन्फ्यूज, आप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपने आप को तनहा महसूस कर रहे हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट एंड हैंगमैन, यू गाइज आर टोटली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम योर लाइफ। एंड इस टाइम आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्रॉस रोड पे खड़े हो, आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल टेंशन है। हो सकता है आप लोगों की कुछ फाइनेंशियली सिचुएशन भी कुछ बेटर नहीं है। यू गाइज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड आई फील लाइक आप लोगों को ऐसे फील हो रहा है जैसे आप लोग एक डार्क नाइट ऑफ अ सोल वाली एनर्जी आपकी हो रही है एंड आपको काफ़ी लेफ्ट आउट फील हो रहा है इस टाइम, ठीक है। आप लोग जिस भी किसी के साथ कनेक्शन रखते हो या फिर किसी भी इंसान के पीछे जाते हो तो मुझे लगता है आप काफ़ी कोडिपेंड हो जाते हो। आप किसी भी कनेक्शन में रहे हो तो आज तक आप लोग कोडिपेंड रहे हो, जिसकी वजह से वो कनेक्शन जो है वो आपका ब्रेक हो जाता है, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा उस कनेक्शन में अपना इनपुट डाल देते हो। इंस्टेड ऑफ कि आप अगले पर्सन को भी कुछ करने दीजिए, आप नहीं करने देते, आप अपना ज़्यादा देते हो, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है और एट द एंड वो कनेक्शन आपका वर्कआउट नहीं होता, खत्म हो जाता है। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो उस वजह से, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आप लोगों के फ्यूचर में होने क्या वाला है, आप लोगों को कुछ भी नहीं नज़र आता, बिकॉज
जब आप लोग आगे देखते हो तो आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे किसी अंधेरे में ही आप लोग हो, आपको किसी चीज़ की इस तरह क्लैरिटी नहीं मिल रही, ठीक है। एंड टॉप ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है, या सेवन ऑफ सोल्ड। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो इस टाइम, बट आई फील लाइक आप लोग बैक टू बैक ऐसी चीज़ होती है कि आप दोबारा बैक एंड फोर्थ की सिचुएशन है कि दोबारा आप लोग पीछे को आ जाते हो। आप चाहते हो कि अपने लाइफ में आगे बढ़ो, फ्यूचरिस्टिक बनो, फ्यूचर की तरफ जाओ, आगे बढ़ो, आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज आएँ या न्यू डोर्स ओपन हो, बट फिर भी आपको लगता है जैसे आपकी लाइफ फॉरवर्ड नहीं हो रही, रिवर्स पे जा रही है। जैसे एक गाड़ी का रिवर्स गियर लगा होता है ना, वैसी सिचुएशन आपकी जा रही है, फॉरवर्ड नहीं हो रही। सो राइट नाउ यू गाइस आर फीलिंग कि आप लोग इस टाइम आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा पोस्ट सिचुएशन है, काफ़ी स्टक आप खुद को फील कर रहे हो। आप लोग बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीज़ों की आप रियलिटी जानना चाहते हो, सच जानना चाहते हो। आप लोगों ने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस भी किए हैं, बट एट द एंड आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। बट ये जो नेक्स्ट रिलेशनशिप आप लोगों की आ रही है, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत जल्द आप लोगों की तरफ आ रहा है, जो कि आप लोगों की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है। इस टाइम ये जो पर्सन है, ये पर्सन भी अपनी लाइफ को चेंज करने पे लगा हुआ है, क्योंकि ये पर्सन अपनी सोच को चेंज कर रहा है। एंड सेम मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये पर्सन भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन से निकल के आ रहा है, जहाँ पे इस पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं, अपनी सोच को चेंज करके ये पर्सन आप लोगों के पास आ रहा है, जो कि आप लोगों की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देगा। एंड आई फील लाइक विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड एस ऑफ वैंड्स, ये पर्सन बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा स्पीड में है आप लोगों की तरफ आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है। आई फील लाइक यहाँ पे विद इन अ वन मंथ और वन वीक ये आप लोगों की तरफ पर्सन आ जाएगा और आप लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, बिकॉज ये पर्सन इस टाइम प्लानिंग कर रहा है, न्यू आइडियाज़ सोच रहा है आप लोगों के पास आने के। काफ़ी इम्पल्सिव दिख रहा है, काफ़ी जज्बाती है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा है आप लोगों की तरफ आने के लिए। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक पर्सन, बेसिकली आप लोगों के साथ किसी तरह से पार्टनरशिप रह सकती है इनकी। एंड आई फील है कि पर्सन आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ऐसा रोमांटिक ऑनेस्ट लॉयल कनेक्शन बनाएगा कि ये पर्सन आप लोगों में एक स्पार्क वो देखेगा जो शायद आज तक किसी ने भी नहीं देखा आप लोगों में। सो ये आपको ऐसा ट्रीटमेंट देगा जो कि एक बहुत ही ज़्यादा आपको स्पेशल फील करवाएगा, डेफिनेटली क्वीन एंड किंग टाइप का आपको ट्रीटमेंट देगा, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आप लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाएंगे और अटैचमेंट भी काफ़ी इमोशनल होगी इनकी आप लोगों के साथ, बिकॉज काफ़ी एम्पथेटिक है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट काइंडनेस नेचर है इस पर्सन की। एंड किसी तरह से ये आपको डेट करेंगे, यस या आपकी फ्रेंडशिप भी काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के साथ अच्छी रहेगी बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड यहाँ पे द सन की एनर्जी है। डेफिनेटली ये एक डिवाइन की तरफ से पर्सन आपको भेजा जाएगा जो कि आपकी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा एक ब्राइटनेस देगा, एक लाइट लेकर आएगा, एक पॉजिटिविटी होप लेकर आएगा, बिकॉज आप लोग मुझे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा होपलेस आप दिख रहे हो। बट ये डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों की इस पर्सन से मुलाकात होनी है जिसने आप लोगों की डेस्टिनी को चेंज कर देना है। ये डेस्टिनी की तरफ से ये पर्सन आना है जिसके साथ आपकी ग्रोथ होनी है। नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एज इस पर्सन की बताऊं तो एज इस पर्सन की 21, 29, 23 ये हो सकती है, यस। एंड 19 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं किसी तरह से, यस। या मुझे आप लोगों की एज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा, बट दिस पर्सन इज़ वेरी होपफुल एंड ये काफ़ी ज़्यादा आपको जो है, जो इस टाइम आप लोगों की लाइफ में डलनेस चल रही है, काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस आ रही है, ये पर्सन उस चीज़ को डेफिनेटली चेंज कर देगा इनटू लाइट, ठीक है। तो ये एक डिवाइनली आप लोगों की तरफ पर्सन भेजा जाएगा, यूनिवर्स की तरफ से है, जो आप लोगों के कर्मा का आपको जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। डेफिनेटली आप लोगों ने अच्छा किया तो आप लोगों के साथ एट द एंड अच्छा होना है, क्योंकि जिस इंसान ने बुरा नहीं किया होता उसके साथ बुरा नहीं होता। हाँ, अगर एट द स्पॉट आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, ठीक है, तो उससे सीखिए। अगर कुछ हो भी रहा है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, तो उससे सीखें आप लोग। बट एट द एंड जो लोग प्योर होते हैं बाय हार्ट, उनके साथ प्योर ही होता सब कुछ, ठीक है। सो स्टे पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, बट दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू रीच आउट टू यू, न्यू आइडियाज़ बना रहा है, काफ़ी पैशनेट है ये पर्सन आप लोगों के पास आने के लिए। आई फील द एनर्जी, दिस पर्सन इज़ वेरी एक्साइटेड, यस, ये आपके पास आ रहा है डेफिनेटली। दिस पर्सन इज़ ट्रूली सोलमेट, बिकॉज द टू ऑफ कप्स, सन, व्हील ऑफ फॉर्चून की यहाँ पर एनर्जी है, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, या
और उससे पहले आपकी अवेकनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई आप लोग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा टफ डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, और ये पर्सन भी उसी फेज से गुजर के आप लोगों के पास आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी मोर। देन वी हैव द फिनिक्स। यस, न्यू फेज आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, बट उसके लिए यू गाइज नीड टू चेंज योर माइंड। यहाँ पे हैंगमैन की बात हो रही है, आपको अपने माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है। चाहे डिफिकल्ट सिचुएशन कितनी भी चल रही है, थिंक पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए हर चीज़ में, क्योंकि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ये पर्सन आपकी लाइफ को काफ़ी चेंज कर देगा। कार्मिक रिलेशनशिप, यस, आप लोगों की लाइफ में जो भी कोई कार्मिक रिलेशनशिप्स रहे हैं वो आपको लेसन दे कर गए हैं। ठीक है, उन चीज़ों को लेट गो करिए और अपने आप से लव करिए। ठीक है, क्योंकि आपको अपने आप को ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये पर्सन भी किसी ना किसी तरह के कार्मिक रिलेशनशिप से ही बाहर आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे आप लोगों का यूनियन है डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है उससे सीखिए और अपने आप से प्यार करें, और जो भी किसी तरह का भी कोई बिटर पास्ट है, बैड एक्सपीरियंस है, उसको भूल जाएं। देन वी हैव सोलमेट। मैं आपको क्या बोल रही थी, ये जो आ रहा है आपका सोलमेट है, ये भी कार्मिक कनेक्शन से निकल के आ रहा है गाइस। ये आपके साथ पार्टनरशिप करेगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन का आपके साथ, बिकॉज यहाँ पे द सन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ये आपका डिवाइनली कनेक्शन है, डिवाइन की तरफ से भेजा, यूनिवर्सल कनेक्शन है ये पर्सन का आपके साथ। ठीक है, तो आप दोनों की सोल एक दूसरे से एग्री करेंगी, बिकॉज यू गाइज आर टोटली यू नो सेम हो आप लोग। आप लोग एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से मैच आपकी बहुत अच्छा होगा, सोलफुल कनेक्शन होगा ये पर्सन का आपके साथ, जो कि आप लोगों की एक बाउंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। ये जो न्यू रिलेशनशिप आपकी आ रही है इस पर्सन के साथ, आप डेट करोगे, हैंग आउट करोगे इस पर्सन के साथ, काफ़ी ज़्यादा आपका लव होगा, रोमांस होगा, म्यूचुअली लव होगा, म्यूचुअली रिस्पेक्ट होगी इस पर्सन के साथ। एंड फिर आई फील कि इस पर्सन की आपके साथ मैरिज के चांसेस भी बनेंगे। फोटोग्राफ, यस, ऐसे दिख रहा है जैसे कि आप लोगों की इस पर्सन के साथ कुछ न्यू मेमोरीज बनेंगी। ठीक है, एंड आप लोगों का जो भी कोई पास्ट होगा आप उस चीज़ के बारे में भूल जाओगे, उसको बिल्कुल भी याद नहीं करोगे, बट कहीं ना कहीं से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको जानता है, ये पर्सन शायद आप ना जानते हो बट ये आपको जानता है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक है द ग्रिम रीपर। ये अपनी लाइफ में जो है किसी ना किसी तरह से ट्रांसफॉर्म करके अपनी लाइफ को भी आ रहा है, बट यहाँ तो आप लोग इस पर्सन को देख, आप लोगों को देख के इस पर्सन को कोई बड़ा ही कोई स्ट्रॉन्ग पास्ट का कनेक्शन फील होगा। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन आपको किसी ना किसी तरह से, मुझे लगता है कोई एनर्जी आपकी इस पर्सन से मैच अप कर रही है, या फिर ये किसी ना किसी तरह से कोई आपका ओल्ड कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। दैट्स वाई आपकी मीटिंग इधर यूनिवर्स जा रही है कि दुनिया में हो, शायद आप पहले कहीं ये दुनिया बनने से पहले पास्ट लाइफ्स में कहीं मिले हों। ठीक है, बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन पाकिस्तानी इस्लामिक कल्चर में नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है, होता है, बिकॉज हमारी जो सोल्स हैं वो पहले ही क्रिएट हो चुकी होती हैं दुनिया बनने से पहले। जिसने भी क़यामत तक यहाँ पे आना है, सबकी सोल्स बन चुकी हैं जब दुनिया ख़त्म होनी है। तो जो लोग कहते हैं कि पास्ट लाइफ हमारे इस्लाम में नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, होता है, पहले सबकी सोल्स क्रिएट हो चुकी हैं, बिकॉज सब कुछ प्री रिटर्न है, उसको आपकी मैनिफेस्टेशन है रिटर्न करना है। इफ़ यू गाइज नो अबाउट दिस ऑल स्टफ, क्योंकि मैं ज़्यादा डीपली इन चीज़ों में नहीं जाना चाहती, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए हूँ, बट जो लोग कहते हैं कि इस्लामी कल्चर में ऐसा कुछ नहीं होता, आप ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा डीपली जाके पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगी। एनी हाउ, मेरा ये ऑब्वियसली मेरा ये वर्क है, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा आई थिंक पता है, बट हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। एनी हाउ, देखते हैं लेटर्स एंड नंबर्स क्या हो सकते हैं। अगर जिन लोगों को लगता है कि पास्ट लाइफ्स का कोई कनेक्शन नहीं होता इस्लामी कल्चर में, तो वो मुझे काइंडली मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पे डिटेल दे दूँगी। ठीक है, चलो ओके, लेटर्स एंड नंबर्स देखते हैं जी। ये जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप जिसके साथ बनना है,
बिकॉज हमें गाइज इस दुनिया में जिस इंसान के साथ किसी भी इंसान को किसी से अटैचमेंट हो रही है, मोहब्बत हो रही है, आपको पहली नज़र में समटाइम्स कुछ इतना अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो वो आप लोग पहले इस दुनिया बनने से पहले आप लोग उन लोगों के करीब रहे हो, आपकी जो रूहें हैं, आपकी जो सोल्स है वो उस इंसान के करीब रही है, जिसकी वजह से आपको दुनिया में पता लगता होगा कि आपको एक मतलब आपको खुद रीज़न नहीं समझ आती, कुछ लोगों के साथ आपको इतनी अटैचमेंट होती है, आप लोग उस चीज़ को नहीं समझ रहे होते कि क्यों ऐसा है। समटाइम्स ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा बॉदर करती है, ट्रिगर करती है, तो वो पहले ऑलरेडी हम मिल चुके हैं, दैट्स वाई ऐसा होता है। ठीक है, सो ये आपके कोई नंबर्स लेटर्स हो सकते हैं एंड ये कुछ भी हो सकता है, कार नंबर, हाउस नंबर हो सकता है इस पर्सन का, कुछ नेम इनिशियल हो सकते हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि यार कुछ कार्मिक इस पर्सन का कनेक्शन रहा है यहाँ पे, या ये पर्सन आरजे हो सकता है किसी जगह पे, ये पर्सन हो सकता है जीएम हो सकता है, जनरल मैनेजर किसी जगह का, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, वेब डेवलपर हो सकता है ये पर्सन। आई फील लाइक ये पर्सन किस तरह का हो सकता है, बिजनेस करता हो, यहाँ पे ये सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, या सो या हो सकता है आप लोगों के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, दैट्स वाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।